आइए वापस। लाइट चली गई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। हाँ, सबको नेटवर्क इशू होता रहता है। हाँ, क्योंकि अभी क्या है ना कि दुनिया में अभी सबसे पावरफुल चीज अगर देखोगे तो क्या है, इंटरनेट ही है कि नहीं, बताइए मुझे, है कि नहीं? मेरी आवाज आ रही है ना आप सबको? हेलो। हाँ चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए, हम लॉजिकल क्या देख रहे थे, हम लॉजिकल वेन डायग्राम है ना, ये वाला चैप्टर। और इसकी हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली थी, इसके साथ हम फैमिली हो गए थे। आज हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, थोड़ा वाले क्वेश्चन देखेंगे। और आज आपको ड्रॉ नहीं करना है, मैं ही क्वेश्चंस लेके आऊंगा, स्क्रीन के ऊपर होंगे, आपको बस देखना है कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लॉजिकल वेन डायग्राम, अभी आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया, वीक डे ईयर। अभी आपको सब पता है कि कैसे क्या होता है, तो ये तीन का मतलब क्या होता है, ये जो तीन चीजें यहाँ पे एंटिटीज है इनका मतलब क्या होता है, हम आंसर कैसे निकालते हैं, कैसे हम एनालिटिकली उसको देखते हैं। अब इसका आंसर बताइए मुझे, चलिए, वीक डे और ईयर की लॉजिकल वेन डायग्राम क्या बनेगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई, पांच ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से कौन सी डायग्राम बनेगी वीक डे और ईयर की, बताइए मुझे। चलिए, पंकज गाडगिल जी ऑप्शन ए बोल रहे हैं, ओके, सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं, ईयर डे वीक या ईयर वीक डे। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये इसलिए दे रहा होगा कि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो सके, है ना। चलिए, वेरी गुड, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे आउटर वाला जो है, देखिए ये हो जाएगा ईयर, फिर ये हो जाएगा आपका वीक, और ये हो जाएगा आपका डे। इस तरह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये बताइए, हाउस, बेडरूम, बाथरूम, इसका आंसर क्या होगा? हाउस, बेडरूम और बाथरूम का आंसर क्या होगा, बताइए। ज्योत्सना जी बी बोल रहे हैं, ऑप्शन बी है ना, हाउस, बेडरूम, बाथरूम। आज ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, बस आपको यहाँ पे देखना है, एनालाइज करना है क्या होगा, खत्म। पंकज जी भी ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ओके। देखिए, हाउस, उसके अंदर बेडरूम, और बेडरूम के अंदर बाथरूम होता है कि बेडरूम से साइड में बाथरूम होता है, कैसा होता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? चलिए, यहाँ पे सभी ने आंसर ऑप्शन बी दिया है, तो इसका सही आंसर बी ही है। ये बड़ा वाला जो भी है यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, ये है आपका हाउस, और उसमें ये है बाथरूम, और ये क्या हो जाएगा आपका बेडरूम, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सभी ने ऑप्शन बी ही बोला है, वेरी गुड। इसका होता है ये स्कूल, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, इसका क्या हो सकता है, स्कूल, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड। चलिए, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ऑप्शन ई बोल रहे हैं आदित्य जी, ओके, चलिए, वेरी गुड। क्या हो सकता है इसका आंसर, स्कूल, क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड? हाँ, कुमारी ज्योत्सना जी बी बोल रहे हैं, ओके। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ बी, कुछ ई, चलिए सभी क्या हो सकता है, मैं सबके आंसर देख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, ऑप्शन ए। चलो ठीक है, हो गया सबके बारी, ठीक है, बताओ मैं आंसर, इसका आंसर क्या है?
अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, हमें वही देखना है ना, सबसे बड़ा क्या है, स्कूल है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या आएगा, स्कूल। स्कूल के अंदर क्या होता है, क्लासरूम, फिर ये हो जाएगा आपका क्लासरूम। और ब्लैक बोर्ड कहाँ पे होता है, ब्लैक बोर्ड क्लासरूम के अंदर होता है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। इस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्लिक करना था, आपने क्या किया, अच्छा नहीं, आंसर आ रहे हैं आप सबके, सभी के आंसर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देख पा रहा हूं मैं। ठीक है, मेरी आवाज अगर कहीं पे भी अटकती है तो मुझे बता देना, ठीक है, चलिए बढ़िया। अच्छा ज्योत्सना जी बोल रही है कि जरूरी तो नहीं हर क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड हो, आप किसी भी स्कूल में जाइए और दो या तीन ऐसे क्लास बता दीजिए जिसमें ब्लैक बोर्ड ना हो। देखिए क्लासरूम ब्लैक बोर्ड होगा तो भी तो पढ़ाएंगे ना बच्चों को, तो ब्लैक बोर्ड तो मस्ट है किसी भी क्लासरूम में। आजकल व्हाइट बोर्ड भी आ गए हैं, है ना, है कि नहीं। अरे बाबा ब्लैक बोर्ड तो होते ही क्लासरूम में, अगर ब्लैक बोर्ड ही नहीं होगा तो टीचर पढ़ाएगा किस पे, बताइए। बड़े बड़े कॉलेजेस में भी ब्लैक बोर्ड होते हैं। हाँ पहले बोर्ड थे, अभी बोर्ड है, अभी और एक कंसेप्ट निकल के आया है जिसका नाम क्या है, डिजिटल बोर्ड। देखा है क्या आपने डिजिटल बोर्ड कैसे होता है, तो आप अगर यूट्यूब पर अगर आप किसी किसी क्लास अगर देखते होंगे तो देख लेना, डिजिटल बोर्ड होता है एक बड़ा सा। सर ऐसा हो सकता है स्कूल क्लासरूम, स्कूल और क्लासरूम, ब्लैक पर ब्लैक बोर्ड, इन दोनों से अलग। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि स्कूल के, देखिए ना आप स्कूल के, स्कूल जो होता है ना, स्कूल के अंदर क्लासरूम होता है, और ब्लैक बोर्ड कहाँ पे होता है, ब्लैक बोर्ड क्लासरूम के अंदर ही होता है ना, ब्लैक बोर्ड और क्लासरूम अलग अलग नहीं हो सकते, ब्लैक बोर्ड क्लासरूम के अंदर ही आएगा वो। आपने मुझे एक बात बताइए, आपने कभी भी ब्लैक बोर्ड को कहीं अलग देखा है, स्पोर्ट्स रूम में देखा है या कहीं दुकान पे देखा है या कहीं पे भी, और स्कूल के अलावा या फिर स्कूल में ही देखिए, क्लासरूम के अलावा आपने कहीं पे देखा है कि ब्लैक बोर्ड, नहीं देखा होगा ना आपने, ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में ही देखा होगा हमेशा, ऐसे तो क्लासरूम वाला क्या हो गया, बाथरूम वाला क्या हो गया। ठीक है तो अब ज्यादा सोचिए, देखिए आप एकदम ज्यादा मत सोचिए कि अभी इस केस में जैसे कि ये वाला था, है ना, यही बोल रहे होंगे आप कि वैसे तो बाथरूम भी बेडरूम के अंदर होता है, लेकिन ये इस सेंस में लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आप देख आप बहुत बड़े घर को कंसिडर कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिंपल घर कंसिडर करोगे ऐसे, है ना, यहाँ पे आपका बेडरूम होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे और ये आपका पूरा एक घर हो जाएगा। तो ज्यादा हमें ये सोचना है और कम भी नहीं, बिल्कुल ऐसे सोचना है कि सही हो सकता है, ये सबको लगे कि हाँ ये एनालिसिस पे बैठ रहा है। ठीक है ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बोलूंगे यार सर बोर कर रहे हैं मैं। ठीक है चलिए इसका आंसर बताइए, प्लैनेट्स अर्थ और सन। हाँ अभी लगाइए दिमाग थोड़ा सा, क्या हो सकता है इसका आंसर, प्लैनेट्स अर्थ और सन। मोहन जी ऑप्शन बी बोल रहे, ओके वेरी गुड, कुछ लोग ऑप्शन डी बोल रहे हैं, उनको भी वेरी गुड, शिवानी पाटिल जी बी बोल रहे हैं, ओके कुमार कृष्णा जी भी बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पे बी डी ई ऐसे आंसर्स आ रहे हैं, सोचिए और सोचिए क्या हो सकता है, प्लैनेट्स अर्थ सन, है ना,
ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको घुमाने वाले पूरे, तो लगता है कि अरे ये तो इजी है, ये तो ऐसी आप सकली तो देखना है, ऐसा नहीं होता। हो गया सबका आंसर आके? आंसर आंसर चेंज कीजिए अभी, है ना, मार्क्स तो कट गए ना, लेकिन अभी आपके पहले ए बोल रहे हैं, फिर बी बोल रहे हैं, फिर सी, तो एकदम से मत बोले, सोचिए देखिए उसको बराबर, फिर जाके टाइप कीजिए आंसर, क्या हो सकता है इसका आंसर, देखिए उसको अच्छे से, इनका मतलब भी समझना जरूरी है। बरा अभी अगर मैं हिंट दूंगा ना आपको, तो फिर आप लोग बोलोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। अभी ई पे आ गए सभी लोग, है ना। मुझे एक बात बताइए आप लोग, अर्थ क्या है? अर्थ इज अ प्लेनेट, है ना, जैसे कि उसके बाद मार्स क्या है, जुपिटर क्या है, विनस है, उसी तरीके से अर्थ, ये सभी क्या है, ये सभी प्लैनेट से कि नहीं, मेरी बात सुनिए अभी सभी लोग, अर्थ क्या है, प्लैनेट है, सन जो है, सन प्लैनेट है क्या, सन क्या है, सन इज अ स्टार, तारा है वो, प्लैनेट अलग होता है, तारा अलग होता है, इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आउटर वाला सर्कल है, ये इसको बोलेंगे हम प्लैनेट, प्लैनेट्स, और उस प्लैनेट में अपना है ग्रह अर्थ, और उसके बाद सन जो है वो एक अलग एंटिटी आएगा क्योंकि वो है एक स्टार। ये क्लियर है कि आपको मैंने क्या बताया अभी? इस हिसाब से देखा है तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ये देखिए ये है आपके प्लैनेट्स, ये है अंदर का गोला जो है वो अर्थ, और ये है आपका सन। हाँ ऐसे होता है, फिर ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर है क्या अभी? ये क्वेश्चन समझा गया आप सबको? एक बार हाँ बोल दीजिए कि समझ गया। चलिए, नहीं समझा मिनल जी को, नहीं समझा। ओके मिनल जी, आपका पहला क्लास है आज, आपने लास्ट वाला क्लास किया था क्या? है ना, तो है ना, तो फिर मैंने वही बोला कि ये जो है ना, देखिए अर्थ छोटी सी एंटिटी है, अर्थ छोटा सा पार्ट है प्लैनेट्स का, बहुत सारे प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट में एक अर्थ है, और सन जो है वो अलग आएगा, क्यों? क्योंकि सन एक स्टार है। अगर यहाँ पे देखिए, अभी अभी एक एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब क्या होता अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्स लिखता, यूनिवर्स ब्रह्मांड, तो डायग्राम कैसी बनती? ये होता आपका यूनिवर्स, उसमें से ये होते आपके प्लैनेट्स, उसमें से ये होता आपका अर्थ, और ये होता आपका सन। सन स्टार, इस हिसाब से डायग्राम बनती है ना, क्योंकि यूनिवर्स में देखिए, यूनिवर्स में प्लैनेट्स है, यूनिवर्स में बहुत सारे सन यानी कि स्टार्स है ना, तो इस तरह से डायग्राम बनती। फिर ए और डी कैसे आएगा मुझे बताइए आप? ए आ ही नहीं सकता, ए कैसे आएगा बताइए? ए अगर लेते तो मान लीजिए, अगर हमने इसको प्लेनेट माना और ये जो सेकंड वाला है इसको अर्थ माना, सन जो है अर्थ के अंदर आता क्या? पृथ्वी के अंदर सूरज है क्या बताइए? है क्या सूरज? पृथ्वी के अंदर सूरज नहीं है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अगर इसको प्लेनेट माना, इसको अर्थ माना, इसको सन माना, तो प्लैनेट और अर्थ अलग अलग थोड़ी है, अर्थ जो है प्लैनेट का हिस्सा है ना। नहीं क्लियर है क्या? हाँ प्लैनेट्स और अर्थ में कंफ्यूज होता है ना, तो इस हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर, रूम वॉल विंडो, इसका आंसर क्या हो सकता है? समझ पहले ना, उसके बाद आंसर देना, नहीं तो
आप झट से हाँ पट कर देते हो, हाँ चलो ये हो सकता है, ऐसा मत करना। रूम बॉल और विंडो, बॉल कहाँ पे होती है, रूम कहाँ पे होती है? ऑप्शन सी। ओके ठीक ऑप्शन ए। ओके कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे भी थोड़ा सा। अब देखिए क्या होता है कि वॉल जो होती है ना वो रूम के अंदर होती है, और विंडो जो है वॉल के ऊपर होता है। बी लग रहा है मुझे, बी लग रहा है, वॉल विंडो। चलिए इसको मैं थोड़ा सा देख लूंगा, ए और बी में कंफ्यूजन है, ए और बी, क्योंकि अगर देखा जाए। हाँ तो देखिए अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो मान लीजिए अगर मैं इसको रूम बताता हूँ, रूम बड़ी चीज है ना, रूम बड़ा है, रूम के अंदर होता है वॉल, और वॉल के अंदर विंडो हो सकती है अगर ऐसे कंसिडर किया तो। अगर इसको कंसिडर करें तो ये हो गई आपकी रूम, और ये हो गई आपकी वॉल, और ये हो गया आपका विंडो, ये भी हो सकता है ना? क्या लगता है आपको? नहीं हो सकता, रूम के अंदर वॉल, उसके अंदर विंडोज। अच्छा ए कितने लोगों को लगता है कि ऑप्शन ए है, और कितने लोगों को लगता है ऑप्शन बी है? मुझे वही लग रहा है। विंडो वॉल के अंदर ही होगा, बराबर, तो ऑप्शन ए हो सकता है इसका आंसर सही, बी नहीं हो सकता क्योंकि विंडो अलग नहीं होती है, विंडो वॉल के अंदर ही होती है, बराबर है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आयशा जी बी बोल रहे हैं, चलिए इसको मैं चेक करके बताऊंगा आपको, कि कभी कभी होता है ऐसा कंफ्यूजिंग आंसर्स आते हैं, हम बोलते वो भी सही होता है, जो आंसर में दिया होता है वो भी होता है ना, तो हमको चेक करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते तब तक, ठीक है ये तो हो गया। अभी हम आएंगे थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, शर्ट्स बेडशीट्स टॉवल्स, इसका बताइए मुझे आंसर। अभी थोड़े से हार्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है कुछ क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, बताइए। शर्ट्स बेडशीट्स टॉवल, ऑप्शन ए। ओके बॉबी जी ए बोल रहे हैं, बाकी लोग इसका आंसर आ गया बड़ी जल्दी से। मिनल जी ऑप्शन टू बोल रहे हैं, देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए है, ए शर्ट बेडशीट टॉवल, तीनों अलग हैं, तीनों का रिलेशन ही नहीं बनता, समझे क्या आप लोग? तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है टू नहीं होगा, ए ही होगा, वन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है क्या मिनल जी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वन, ये वाला ए, ठीक है चलिए आगे। फिर हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली, ओके इसका आंसर क्या हो सकता है? हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली,
किसके अंदर आएगा बताइए आंसर। हस्बैंड वाइफ फैमिली कैसे बनेगी डायग्राम। मोहन जी ऑप्शन 4 बोल रहे हैं। ओके बाकी लोग। स्मिता चरिता जी 4 बोल रहे हैं, सॉरी 1 बोल रहे हैं। पंकज जी 2 बोल रहे हैं। प्रियंका मस्करे जी 1 बोल रहे हैं। मस्करे जी अलग अलग आंसर आ रहा है यहाँ पे, इसका आंसर बताऊंगा मैं अभी आपको। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए ना, ये जो बड़ा वाला है सर्कल वो क्या है, फैमिली बड़ी टर्म है, फैमिली के अंदर आएगा आपका हस्बैंड और फिर आएगा आपकी वाइफ, सिंपल कौन था, ये कैसे आ सकता है हाफ फैमिली। देखिए फैमिली बहुत बड़ी टर्म है, जब भी ऐसा आता है कि बहुत बड़ी टर्म है ना तो उसके अंदर दो चार चीजें आनी चाहिए। फिर ये देखिए ये पार्शियली होता है, यानी कि वाइफ जो है आधी फैमिली में, हस्बैंड आधी फैमिली, ऐसा नहीं होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों फैमिली का पार्ट है कि नहीं, इसलिए ये फैमिली बड़ी होगी और इसके अंदर हस्बैंड और वाइफ आएगा। ये फैमिली, ये हस्बैंड, ये वाइफ, इस तरह से डायग्राम बनेगी। क्लियर है, क्लियर है क्या सबको, बोलो रे बाबा। है ना, दो क्यों नहीं हो सकता है, दो कैसे होगा मुझे बताइए। दो अगर मैं लेता हूं तो मान लीजिए जो बड़ा वाला सर्कल है इसको मैं फैमिली मानता हूं, ठीक है, फैमिली के अंदर ये क्या लोगे आप, क्या इसको कंसिडर, अच्छा आपने अगर इसको हस्बैंड कंसिडर किया तो क्या वाइफ जो है हस्बैंड के अंदर आती है क्या, नहीं ना, वाइफ हस्बैंड का पार्ट नहीं होती, अंदर नहीं आती, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है पंकज जी, या फिर वाइफ हस्बैंड के अंदर नहीं, हस्बैंड ऐसा नहीं होगा, हस्बैंड वाइफ ये दोनों आएंगे फैमिली के अंदर, है ना, परिवार ऐसे तो बनता है, पति पत्नी बच्चे इनसे ही बनता है कि नहीं। चलिए फिर, हस्बैंड की तो वाइफ होती है मान, हाँ हस्बैंड की वाइफ होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं आएगा, मीन्स वाइफ ये तो नहीं आएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूं कि हस्बैंड की तो वाइफ होती है, हाँ हस्बैंड की तो वाइफ होती है, बराबर है। अब एक देखिए ठीक है, एक एग्जाम्पल देना आपको मैं बताऊंगा आगे कैसे आएगा तो, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है हस्बैंड वाइफ की होती है लेकिन हस्बैंड और वाइफ अलग अलग एंटिटी है। ठीक है आगे और एक क्वेश्चन है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है देखिए इसका आंसर बताइए मुझे अभी। देखिए फैमिली सन्स एंड डॉटर्स, इसका क्या आंसर होगा अभी। आदित्य झिंगारे हस्बैंड की वाइफ होती है लेकिन हस्बैंड की, हाँ बराबर बोले, किसने आंसर दिया ये। आयशा जी ने बोला है हस्बैंड की वाइफ होती है लेकिन हस्बैंड के अंदर नहीं होती, बराबर है आयशा जी, अंदर नहीं आएगी ना वो, मींस अलग अलग है वो दोनों, एक फैमिली का पार्ट है। अच्छा यहाँ पे आंसर दे रहे हैं कुमारी जी बोले सेम प्रोसेस, बॉबी जी बोल रहे ऑप्शन 2, बाकी भी बस्मिता जी बोल रहे 2, क्या हो सकता है इसका आंसर। फैमिली सन्स एंड डॉटर्स, कौन किसका पार्ट है वो देखिए, सबसे बड़ा पार्ट किसका है, उसके अंदर क्या क्या आएंगे। मोहन जी 3 बोल रहे हैं। ओके ठीक बाकी लोग, प्रियंका जी ऑप्शन 2 बोल रहे हैं, आयशा जी 3 बोल रही है। ओके
कुमारी जी बोल रहे टू ही होगा। ओके सोचिए, और सोचिए थोड़ा सा, क्या हो सकता है? देखिए इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो पिछले वाला था ना वो ही होगा। हाँ टू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बड़ा सा सर्कल है, वही फिर से सबसे बड़ी चीज कौन सी है यहाँ पे, फैमिली। अब फैमिली के अंदर क्या होते हैं, सन्स एंड डॉटर्स, है ना, लड़के लड़कियां जो बोलेंगे हम, ये हो जाएंगे सन्स और ये हो जाएंगे डॉटर्स। ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हाफ हाफ, मैंने आपको कल ही बताया था, यानी कि अब अगर हम ऑप्शन 2 क्लिक करते हैं तो क्या हाफ जो सन्स है वो डॉटर है और हाफ जो डॉटर है वो सन्स है, ऐसा होता है क्या? सन और डॉटर दोनों अलग अलग है ना, सन क्या है, सन इज अ मेल, डॉटर इज अ फीमेल, तो आप फीमेल और मेल को एक साथ नहीं कर सकते ना ऐसे, उसी तरीके से ये अलग अलग होगा। अब देखिए पंकज जी, मैं आपको बताता, आपने यहाँ पे बोला था ना मुझे कि अलग अलग कैसे आते हैं, वो उसी तरीके से ये फैमिली है, फैमिली में अब हस्बैंड क्या है, हस्बैंड इज अ मेल और वाइफ क्या है, फीमेल, है ना, तो हो गए ना वो दोनों अलग अलग एंटिटी हो गए कि नहीं, वो एक साथ नहीं हो सकते ऐसे अंदर। उसी तरीके से चिल्ड्रन में भी देखिए, फैमिली में क्या होता है, सन्स डॉटर्स अलग होते हैं, तो अगर मैं एक बड़ी डायग्राम बनाऊंगा ना, देखिए ये हो गई आपकी फैमिली, उसमें आ जाएगी आपके सन्स डॉटर्स वाइफ हस्बैंड, सन्स डॉटर्स वाइफ हस्बैंड, ठीक है, ये चारों अलग अलग होंगे लेकिन किसके पार्ट होंगे, फैमिली का पार्ट। दोनों भी हो सकते हैं ना कि ना, दोनों भी हो सकते हैं ना, ना कि डॉटर भी और सन्स भी, समझा नहीं बॉबी जी आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे दोनों भी कैसे होंगे, ऑप्शन ये कह रहा है कि या यो सन्स या डॉटर, या यो नहीं, या का मतलब क्या होता है, और बोल रहा है कि और नहीं होगा, ये सन हो जाएगा और ये हो जाएगा डॉटर और ये वाला हो जाएगा आपका फैमिली, ऐसे ही होगा ये। ऑप्शन 2 तो नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है चलिए आगे बढ़ते फिर। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, फीमेल मदर्स डॉटर्स, फीमेल मदर्स एंड डॉटर्स, ये क्वेश्चन मैंने कल लिया है, कल यानी कि परसों वाली क्लास में, अगर आपको पता होगा तो आप बरोबर सही करोगे इसको। कौन किसके अंदर जाएगा अभी आप देख लीजिए, अच्छा बॉबी जी, सुबू जी 3 बोल रहे हैं, आदित्य जी 3 बोल रहे हैं, ओके अमित जी 1 बोल रहे हैं, पंकज जी भी 1 बोल रहे हैं, ये आज से एकदम फास्ट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, तो चलिए सोचिए बराबर। मिनल जी 4 बोल रहे हैं, मिनल 4 तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, अब एंटिटी देखिए ना यहाँ पे कितने ग्रुप है, लोग कितने हैं, 3 है ना, 1 2 3, यहाँ पे कितने सर्कल है, 1 2 3 4, 4 नहीं हो सकता ना, ये ऐसे ही गलत होगा ये। मोहन जी बोल रहे हैं 3 पे लॉक कीजिए, तो हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर 3। हाँ इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, कल ही बताया मैंने ये। देखिए ये क्या है, मदर्स फीमेल्स, अब मुझे पता है कि सभी के सभी मदर्स जो है फीमेल है ना, ये देखिए मदर्स ये फीमेल, तो मदर जो है फीमेल के अंदर आ जाएगी क्योंकि सभी मदर फीमेल है, उसके बाद डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या है, डॉक्टर सभी के सभी डॉक्टर मदर या फीमेल नहीं हो सकते,
वो क्या होंगे पार्शियली, यानी कि ये देखिए कुछ डॉक्टर मदर है कुछ डॉक्टर फीमेल है, ये आपके डॉक्टर्स, इसलिए ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। क्या बी? क्या बी नहीं, ऑप्शन नंबर थ्री आता है आंसर। देखिए ये वाला, ये जो है आउटर वाला ये है फीमेल, ये जो है ये है मदर, और ये जो है पार्शियली जो है हाफ डॉक्टर्स, है ना? तो ऑप्शन नंबर थ्री आता है इसका आंसर। चलिए फिर आगे बढ़े। सी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ABCD नहीं है तो आप समझ लीजिए। शिबू जी बोल रहे हैं अगेन, शिबू जी आप अब्सेंट है क्या? हाँ वो क्लास, लेकिन आप देखिए ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए मदर जो है फीमेल का पार्ट है, मुझे सभी के सभी मदर्स जो होंगी वो फीमेल होंगी, तो इसलिए मदर जो है फीमेल अंदर आए, इसको दिक्कत नहीं है। और ये जो बड़ा आउटर है ये है आपका फीमेल। अब डॉक्टर देखिए, ये जो डॉक्टर क्या होंगे, सभी के सब डॉक्टर मदर्स या फीमेल तो नहीं होंगे, कुछ डॉक्टर मेल भी होंगे, इसलिए ये ऐसा सर्कल बनेगा। देखिए ये जो है ना ये मदर वाला कुछ, ये देखिए ये है डॉक्टर्स, इसका मतलब होता है कुछ डॉक्टर जो है मदर है और कुछ डॉक्टर जो है फीमेल है, बस हाँ पार्शियली, इसका मतलब ये होता है, ये उस तरह से आएंगे आंसर थ्री। ठीक है चलिए इसका बताइए इसमें मैं, हाँ नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं है, बताइए इसका आंसर। चलिए साइंस मैथ्स एंड बायोलॉजी है, बायोलॉजी साइंस मैथ्स था किसी का 11th 12th में? कोई है यहाँ पे? विनल जी ऑप्शन ए बोल रहे हैं, पंकज जी ऑप्शन फोर बोल रहे हैं। ओके देखिए पंकज, चलिए वेरी गुड। पद्मनील जी वन बोल रहे हैं, ओके वेरी गुड। अच्छा आदित्य जी का 12th में साइंस था, है ना? ठीक है जिनका साइंस नहीं भी था उनको भी आंसर आना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या हो सकता है इसका आंसर? कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, और सॉल्यूशन जो पता है तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ये गाना सुना है आप लोगों? देखिए इसका आंसर बताता हूं मैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन है ए। क्यों? क्योंकि देखिए बायोलॉजी जो है ना वो साइंस का पार्ट है, ये अंदर वाला जो सर्कल है ये हो जाएगा आपका बायोलॉजी, ये जो बाहर वाला सर्कल है ये हो साइंस। मैथ्स जो होता है ना वो साइंस के अंदर नहीं आता, ये बात ध्यान में रखिए, मैथ्स अलग है। ठीक है मैथ्स जो है अलग है, बायोलॉजी साइंस के अंदर आएगा, फिजिक्स साइंस के अंदर आएगा, केमिस्ट्री साइंस के अंदर आएगा, लेकिन मैथ्स जो होता है ना साइंस के अंदर नहीं आता, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है उसी हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए मजा आ रहा है क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में? ये वाला मैथ्स भी तो साइंस होता है, कहाँ होता है मैथ्स? मैथ्स में साइंस टर्म, साइंस क्या होती है, साइंस अलग होती है। देखिए मैथ्स में नंबर्स का यूज करते हैं मैक्सिमम, मैथ्स और साइंस अलग है, आप एक नहीं बोल सकते उसको, आप सर्च भी कीजिए नेट पे भी देखिए, क्योंकि है ना क्या होता है कि कॉमर्स वालों को भी रहता है, आपको कॉमर्स वालों को भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट रहता है, या फिर मैथ्स अलग भी आप देख सकते हो बहुत सारे विषयों में, उस हिसाब से। क्या हो गया प्रियंका जी, एंड्रेस हो गया? हाँ मिनल जी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। ठीक है कुमारी जी बोल रहे हैं साइंस में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा बराबर, चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिए और आगे क्वेश्चन है हमारे पास।
बनाइए इसको, फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर बताइए। फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स, क्या हो सकता है इसका आंसर, क्या लगता है आपको? मोहन जी ऑप्शन 3 बोल रहे हैं, शिबू जी 4 बोल रहे हैं। ओके, 3 4 3 4 1 2 का 4। आप सोचिए बराबर। हाँ, फर्नीचर, चेयर्स, टेबल। चेयर्स और टेबल किसके अंदर आते हैं, या फिर फर्नीचर किसके अंदर आता है, या तीनों अलग अलग है, क्या है? यह आंसर गए सभी लोगों के, और इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 3। देखना, फर्नीचर होगा ना, फर्नीचर एक बड़ी टर्म है, और फर्नीचर के अंदर ही आएंगे चेयर्स, और फिर ये आएंगे आपके टेबल्स। और नहीं होगा आंसर। हाँ, फर्नीचर के अंदर चेयर और टेबल, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने पास प्रैक्टिस के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए बराबर। मैन, रोडेंट्स एंड लिविंग बींग्स। मैन, रोडेंट, रोडेंट का मतलब देखिए क्या होता है, रोडेंट का मतलब। मैन और लिविंग बींग्स का तो पता है आपको। क्या है? है किसी का आंसर? सोच रहे हैं आप लोग? मैन, रोडेंट्स एंड लिविंग बींग्स। एक मिनट, आप निकालिए आंसर। आपके स्क्रीन, हाँ, नेटवर्क का ठीक है। अब आ रही है ना आवाज मेरी? स्क्रीन नहीं दुख, वाह, प्रियंका जी ने मस्त लेटर लिखा है, देखिए स्क्रीन। चलिए इसका आंसर बताता हूँ मैं, क्या है? तो किसी को नहीं आया इसका आंसर? देखिए, अब देखिए, अभी आप लोग, मैं पहले मतलब बता देता हूं, फिर आपको सब निकलने आ जाए। सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें? लिविंग बींग्स है ना। हाँ, मोहन जी ने दिया है, सब बहुत से लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है। लिविंग बींग्स का मतलब होता है, लिविंग बींग्स एक बड़ी टर्म है, जो जिंदा है, जीवित प्राणी, आप कहते हैं जीवित, है ना, लिविंग बींग्स। अब मेन जो है, मेन यानी कि हम लोग, उसका पार्ट है, सभी जिंदा है। रोडेंट का मतलब क्या? रोडेंट यानी चूहा वगैरह होता है, रोडेंट भी तो लिविंग ही है ना, वो भी तो जिंदा है, जीवित प्राणी है वो भी, तो इसलिए होगा रोडेंट्स।
इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ज्योत्सना जी ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हाँ, हिंदी में वो चूहा या मूषक बोलते हैं रोडेंट्स को। क्लियर है ऑप्शन 3? देखिए लिविंग बींग्स हैं और ये हो जाएगा आपके मैन और ये हो जाएगा आपके रोडेंट। अच्छा, अब एक बात देखिए, अब एक बात यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर मैं यहाँ पे यहाँ से लिविंग हटा दू, लिविंग, ठीक है, लिविंग हटा दिया और मैंने अगर यहाँ पे आप लिख दिया ह्यूमन बींग्स, तो अब आपका आंसर क्या आएगा मराठी में मंदिर? देखिए मैं यहाँ से लिविंग हटा दिया और यहाँ पे ह्यूमन लिख दिया, देखिए डायग्राम ऐसे बनेगी, ये हो जाएगा आपका ह्यूमन बींग्स, ये हो जाएगा आपका मैन और रोडन जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलग, है कि नहीं? हाँ, नहीं ना, फोर नहीं होगा बाबा, मैन जो है ह्यूमन बींग में आएंगे सभी और रोडन ह्यूमन में आएगा, वो अलग आएगा, इसमें से कोई नहीं। देखिए जो मैंने डायग्राम निकाली ये वाली आएगी, तो इसका भी बहुत बड़ा मतलब निकलता है लिविंग बींग और ह्यूमन बींग का, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग बनते हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि थक गए आप लोग, भूख लगी है? बताइए इसका आंसर, बताइए, कंटिन्यू करें। मेल्स फादर्स और एडवोकेट्स, मजा आ रहा है क्या? मेल्स फादर्स और एडवोकेट्स, आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी हमने पहले देखा है। रिलेट कीजिए फीमेल डॉक्टर मदर के साथ, देखिए क्वेश्चन देखा था हमने, फीमेल डॉक्टर्स और मदर्स, सेम क्वेश्चन, वेरी गुड, सभी ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक किया और 1 ही इसका सही आंसर है। देखिए ये जो है सभी फादर जो है, फादर किसके अंदर आएंगे? मेल के अंदर, और एडवोकेट क्या हाफ आएगा ना, कुछ फादर एडवोकेट हैं और कुछ फादर मेल जो है वो भी एडवोकेट्स है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके डायग्राम बनेगी ऑप्शन नंबर 1, क्लियर है सबको? चलिए इसका बताइए बोला, अभी जेब्रा ग्रास ईटिंग एनिमल्स, देखिए ये एक ही टर्म है, ग्रास ईटिंग एनिमल लायन, जेब्रा ग्रास ईटिंग एनिमल्स और लायंस, क्या था? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग। आएगा किसी का आंसर? किसी का नहीं आया? मेरी आवाज पता नहीं, शायद नेटवर्क चला गया फिर से कि क्या, तो नेट का इशू ही आ रहा है। चलिए कोई नहीं, इसका आंसर क्या आया सबका बताइए मुझे, इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए। देखिए जेब्रा जो है, ये आपके जेब्रा, ये क्या है, जेब्रा शाकाहारी होते हैं, तो ये बड़ा सा आ जाएगा आपका
ग्रास ईटिंग एनिमल्स है ना, लायन जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, लायन जो आ जाएगा अलग, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वन होगा बराबर। चलिए वेरी गुड, ओके फिर नेक्स्ट। देखिए नेट का इश्यू बहुत आ रहा है, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ। देखिए यहाँ पे नेट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, शायद 2-3 बार चला गया है, तो आपको क्लियर है ऐसा, ठीक है, कि किस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जो PDF है मैं अभी आज वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। देखिए अभी आप लोगों को पता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, एक दो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में लेंगे, ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है क्या? है ना, आज थोड़ा इश्यू हो रहा है शायद नेट का, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं इसका PDF अपलोड करने वाला हूं, तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए फिर से दिखाता हूँ, और इस क्वेश्चन में आपको हमका प्रॉब्लम आने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, ठीक है, ओके फिर, ठीक है फिर, रुकते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जाइए आराम कीजिए, खाना खाइए, पढ़ाई कीजिए, चलिए फिर, थैंक यू, जय भीम, बाय।